जय हिंद दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी के जो टॉपिक है पोषण, उसके टॉप 25 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू का। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए, स्टार्च से क्या संबंधित है, स्टार्च से क्या संबंधित है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, देखिए क्या जनन क्षमता, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण। तो सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों विटामिन डी की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है विटामिन की खोज की, मतलब विटामिन का खोज किसने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने विटामिन का खोज किया था। तो पंक ने, पंक नामक एक वैज्ञानिक थे, पंक, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइट है, मोनोसेकेराइट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइट होता है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइट है, डाइसेकेराइट है दोस्तों, डाइसेकेराइट, तो माल्टोज जो होता है वो डाइसेकेराइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर छः देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, मतलब दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो केसिन नाम का प्रोटीन जो है वो दूध में पाया दोस्तों, तो केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सात है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन का यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन का इकाई होता है दोस्तों, अमीनो एसिड, प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन हमारे पास में, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो अधिकतम ऊर्जा संचय होता है दोस्तों वसा के रूप में, अधिकतम ऊर्जा वसा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा में होता है, 9.2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, दसवां क्वेश्चन, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। तो भूखा व्यक्ति ग्लाइकोजेन का सबसे पहले उपयोग करता है, ग्लाइकोजेन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां नंबर, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन 12 में होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी है, मतलब विटामिन सी का नाम क्या है। तो एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन सी, एस्कर्बिक एसिड ही विटामिन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन का क्या है। तो गाजर सबको पता है कि अच्छा स्रोत है विटामिन का। चलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो किसके द्वारा होता है, एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है, एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है, मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है। तो विषाणुओं में मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, विषाणु में। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, कह रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होती है। तो प्रोटीन, प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास में प्रोटीन सबसे अधिक उपयोगी होता है दोस्तों, प्रोटीन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है, प्रोटीन का संचरण किस रूप में होता है शरीर के अंदर, प्रोटीन का संचरण किस रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। चलिए दूध, अगला क्वेश्चन है, दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, किसका तुच्छ स्रोत है। दूध में सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाता है फिर भी उसमें लोहा का कमी होता है दोस्तों, दूध में लोहा का कमी होता है, आयरन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या है, लाख के कीड़े का पोषक पाइप क्या है। तो ब्यूटा मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है,
अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो अमीनो अम्ल आपको मिलेगा प्रोटीन में। कहाँ मिलेगा दोस्तों? प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन का इकाई अमीनो अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 नंबर, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मतलब कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? तो रतौंधी और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा पदार्थ सूक्ष्म पोषक तत्व है किसके लिए? पौधों के लिए। तो बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधों के लिए, बोरॉन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? हरे पेड़ पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वृद्धि और विकास में? तो 17 पोषक तत्व की, कितने? 17। अंतिम और लास्ट, अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा दोस्तों पाया जाता है बनाना में, केला में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार के और भी ट्यूटोरियल